नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कदाचार मुक्त वातावरण में झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा संपन्न। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा रविवार को आयोजित झारखंड संयुक्त सैनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा JPSC कदाचार मुक्त माहौल में सम्पन्न हुई। परीक्षा के सफल आयोजन को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी की थी। परीक्षा में 35,999 परीक्षार्थी शामिल होने वाले थे, जिसमें प्रथम पाली में 19,717 परीक्षार्थी शामिल हुए, जबकि 16,282 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। वहीं दूसरी पाली में कुल 19,641 परीक्षार्थी शामिल हुए, जबकि 16,358 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। आपको बताते जाएंगे कि बोकारो के सेंटर में भी कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा लिया गया। नया भारत दर्पण समाचार के रिपोर्टर ने परीक्षा केंद्रों में जाकर जायजा लिया। जायजा लेने पर ये पता चला कि परीक्षा कदाचार मुक्त और शांति ढंग से लिया गया है। JPSC को लेकर हमने परीक्षा सेंटर में बीजेपी के बगोदर पूर्व विधायक नागेंद्र महतो से भी बातें की और ये जानने की कोशिश की कि 5 साल के बाद JPSC का परीक्षा लिया जा रहा है, इसके बारे में उनकी राय लेने की कोशिश की गई। पत्रकार से बात करते हुए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जिस तरह से परीक्षा लिया गया है उसी तरह से निष्पक्ष रूप से कॉपी जांच की जाए ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। वहीं जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी के बारे में सवाल पूछा गया तो कहा कि डॉक्टर इरफान अंसारी क्या सर्टिफिकेट कहाँ है, पहले ये जाँच करवाए, हमें लगता है कि डॉक्टर नहीं बल्कि झोला छाप डॉक्टर है। शेखर की रिपोर्ट। आपने कहा कि विधानसभा पे नमाज को लेकर के बात उठाया गया, लेकिन कांग्रेस के इरफान अंसारी विधायक जी जो बड़बोले है, उसने तो कहा कि यह पूरी बीजेपी की साजिश है कि ये विधानसभा नहीं चलना था, इस चलते ये लोग इस तरह से नौटंकी किए कि ताकि लोग वह प्रश्न पूछ नहीं सके। मैंने बीजेपी गवर्नमेंट का साजिश था, उन्होंने लिख दिया कि ये नमाज अदा करने का रूम रहेगा, नहीं क्योंकि बीजेपी की सरकार है झारखंड में ना, कब तक जनता को बुड़बक बनाओगे यार, जनता को भी जागरूक बनना पड़ेगा। झारखंड अलग राज्य का निर्माण बड़ी मुसीबत से हुआ है, क्योंकि नागेंद्र महतो का 40 साल का राजनीतिक जीवन का मेरा अनुभव है, 40 साल से मैं राजनीति कर रहा हूँ, आज से नहीं 74 से मैं बता रहा हूँ ना, क्या उतार चढ़ाया, क्या हुआ नहीं हुआ, राज बना, राज बनने के बाद कई मुख्यमंत्री बने, हम लोग के टाइम में बीजेपी की सरकार बनी, ऐसा ऐसा गरीब का धिया पोता का दरोगा बन गया है जो देखने की बात है। इस पे आप कह सकते हैं कि इरफान अंसारी बोले कि रांची में जो रैली निकाले गए उसमें जो चोट खाए हैं वो सब नौटंकी है, वो सब का पट्टी उठी है, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे मेरे पास आओ इलाज करा, तो क्या आप इरफान अंसारी के सर्टिफिकेट पर आप क्वेश्चन उठा रहे हैं? देखिए इरफान अंसारी उसका डॉक्टर का डिग्री सही है कि गलत है, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा है। वो डॉक्टर का डिग्री कहाँ से लिया है, कि भारत का डिग्री है कि विदेश का डिग्री है, विदेशों में डिग्री भी का बिकता है जो खरीदता है, और वैसे डिग्री वाले कैठे इलाज करता आज तक, हम तो उसके साथ में विधानसभा में थे विधायक ना, बीते इलेक्शन में थे साल 5 साल, हमने देखा है ना कितना इलाज किया, आज भी तियाला लगा के झूठ वो बैठता है, कोई इलाज नहीं करता है। इसका मतलब है कि आप साफ साफ कहते हैं कि इरफान अंसारी डॉक्टर नहीं है, फर्जी डॉक्टर है, डॉक्टर एकदम स्पष्ट है, और नहीं तू सार्वजनिक करे कहाँ से वो डिग्री लिया है। चलिए के बाद APSC का एग्जाम लिया गया तो कहीं ना कहीं आप इस विषय में क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए बहुत अच्छी है, अगर 5 साल के बाद एग्जाम ली जा रही है तो एग्जाम का रिजल्ट भी बढ़िया हो, कहने का मतलब रिजल्ट को आउट करके नियुक्ति का प्रक्रिया में आवे सरकार, ये सबसे खूबियाँ होगी, इंटरव्यू लेना, परीक्षा लेना, परीक्षा लेने के बाद पेंडिंग कर देना, फिर नियुक्ति नहीं बहाल नहीं करना, ये तो प्रक्रिया चली आ रही है। क्या कहीं ना कहीं सुना जाए ये सब JPSC में क्यों हुआ है? JPSC में लोग हाईकोर्टर क्यों जाते हैं कि हमारा नियुक्ति का प्रक्रिया गलत है, नियुक्ति नहीं हुई है, इसका मतलब यहाँ स्थानीय नीति और नियोजन नीति अच्छा से लागू नहीं होने के कारण ये सब समस्या खड़ी है। और सरकार बनी है, मैं तो आशा करता हूँ मैं हेमंत जी से
कि एक नई अच्छी नीति बना करके और झारखंड के लोगों को अधिक नियुक्त करें, जगह पर पोस्ट करें, ये सबसे बड़ी खामी खुशी होगी। लेकिन झारखंड सरकार तो स्टे ऑर्डर लगा हुआ जेपीएससी वाला एग्जाम में भी, क्यों फिर भी सीट कम है, 252 सीट का जो पर क्या कहते हैं इंटरव्यू लोग लड़के लोग दे रहे हैं जेपीएससी का 252 पद पर, और कैंडिडेट कितना 369,327 इतना परीक्षार्थी फॉर्म फिलअप किया है। आखिर 11 वर्षों तक नहीं हुआ, 21 वर्ष तक हो जाना चाहिए। आज 21वां साल हो रहा है झारखंड राज्य बने हुए, 21 बार परीक्षा होती, लेकिन आज 7वां परीक्षा हो रही है, 7वां बार। कहीं ना कहीं आप सरकार पर दोष ठहरा रहे हैं। सरकार दोषी होती है, जो भी सरकार बने सरकार की जिम्मेवारी बनती है। जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, जिस राज्य में हम रहते हैं, उस राज्य के बेरोजगारों को, युवाओं को कैसे रोजी रोटी की व्यवस्था करें, कैसे अनएम्प्लॉयड की समस्या का समाधान हो सके, इसके लिए सरकार बनती है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे, लेकिन कुछ अभिभावक उसको काला दिवस पर भी मना रहे थे। क्या करिएगा, मुंडेर मतिर भी ना, जितने मुड़ी उतने बुद्धि, जितना आप विकास कर दीजिएगा उतना और कम होगा। अभिभावक तो बोल रहे हैं कि केक काटने से अच्छा था कि मोदी जी को अगर नौकरी दिलवाते तो अभिभावक इससे काटना। हर व्यक्ति के जन्मदिन पर इस दिवस पर एक खुशी होती है, और एक व्यक्ति का निखरता है उनका क्रियाकलाप जो उन्होंने अपने जीवन काल में जनता के लिए क्या किया। 5 साल पहले भी तो आपकी सरकार थी, उस वक्त आपने फिर क्या उस जेपीएससी को लेकर क्यों नहीं किया? स्थिति में नहीं, अभी जो कोरोना काल में जो प्रधानमंत्री जी ने किया, निशुल्क इंजेक्शन दिलाने का काम किया जो कोविड का, ये कम बड़ी खूबियां है। आप बोल रहे हैं निशुल्क वैक्सीन का कर रहे हैं, वैक्सीन आज बोकारो में नहीं है। कहाँ बोकारो में नहीं है वैक्सीन? बोकारो में सेक्टर 5 में कैंप में वैक्सीन हमने आज सुबह कॉल किया तो पता चला वैक्सीन नहीं है, बुधवार को है। तो क्या बात है कि वहाँ से आती है वैक्सीन तो सरकार यहाँ से ले जाती है? बात ऐसा है कि जब हम बिना पैसे का वैक्सीन का काम दिला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी दिला रही है, तो फिर वैक्सीन जाता कहाँ है? कौन जिम्मेवार है इसका? सरकार जिम्मेवार है। जो सरकार बनती है उस सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि हम अपने राज्य के लिए, अपने जनता की मूलभूत समस्याओं का समाधान कैसे हम कर सकें, इसके लिए तत्पर रहना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है, और पब्लिक तो अपना जिम्मेवार है, पब्लिक तो अपना जो काम है जो करने की करती है, और बिना आंदोलन का कोई काम हुआ नहीं है, और जानबूझ करके समस्या क्रिएट करती है। अभी मैंने विधानसभा में चल रहा था अब विधानसभा में एक तो अलग नारा लगा दिया, अब दीवार लेखन कर दिया कि स्पेशल नमाज अदा करने के लिए रूम होगा। भारत कई धर्मों से घिरा हुआ है, धर्म निरपेक्ष देश है, यहाँ पर एक धर्म की बात नहीं कर। अगर एक धर्म को लिए आप रूम आवंटन करते हैं और धर्म के लोग रूम आवंटन मांगेंगे तो आप कहाँ दीजिएगा? वो मंदिर दूसरा मंदिर है, लोकतंत्र का मंदिर है, जन समस्याओं का मंदिर है। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नया भारत दर्पण समाचार।